बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर कमाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कमालात होम्योपैथी। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपके साथ शेयर करता हूं मुख्तलिफ अमराज के लिए बेहतरीन होम्योपैथिक कम्बिनेशंस जो मैं बरसों से अपने क्लिनिक में इस्तेमाल कर रहा हूं। आज मैं जो कम्बिनेशन आपकी खिदमत में पेश करूंगा वो है सीने की जलन, तेजाबियत, एसिडिटी और जीईआरडी के लिए। जीईआरडी मीन्स गैस्ट्रो एसोफिगल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले दो मुख्तसर बातें। पहली बात तो ये कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दूसरी बात यह कि अगर आप मुझसे ऑनलाइन मशवरा करना चाहते हैं, ऑनलाइन मुझसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं या ऑनलाइन मुझसे मेरी मेडिसिन मंगवाना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मुझसे रब्ता कर लीजिए। तो चलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। जीआरडी या सीने की जलन तेजाबियत क्या होती है? इसके लिए पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे निज़ाम हाजमा क्या है। सबसे पहले हम किसी भी गजा को अच्छी तरह मुंह में चबाते हैं और खाते हैं तो वो गजा की नाली के जरिए मैदे में पहुंच जाती है। मैदे के मुंह पर एक वाल्व होता है जो वन वे होता है, यानी गजा उसमें से मैदे में तो जा सकती है लेकिन मैदे में से वापस नहीं आ सकती। फिर उस गजा पर हमारे मैदे में मौजूद ग्लैंड्स एसिड खारिज करते हैं, उस तेजाब में हमारे जो कुछ हमने खाया है वो गल जाता है, घुल जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारा मैदा भी गोश्त का बना हुआ है, वो खुद क्यों नहीं घुल जाता और गल क्यों नहीं जाता? उसकी वजह यह है कि मैदे के अंदर एक ऐसी कोटिंग होती है, एक ऐसी लेयर होती है जिसके ऊपर एसिड का असर नहीं होता। लेकिन अगर उस जब वो लेयर कहीं से छिल जाए, रगड़ लग जाए तो क्या होगा कि वहां पर फिर वो एसिड गोश्त में लगने लगेगा, मैदे के गोश्त में लगने लगेगा। जब एसिड लगेगा तो क्या होगा? एसिड लगेगा तो जलन होती है, तो मैदे में जलन हो जाएगी। फिर होता यह है कि जो आपका मैदे का वॉल्व है वो पूरी तरह मुंह ऐसे बंद नहीं होता बल्कि थोड़ा सा खुला रह जाता है। थोड़ा सा खुला रहने की वजह से क्या होता है कि गजा वापस अपनी नाली में आती है। जो गजा जिसमें एसिड मिला हुआ है जब वो मैदे की नाली में आती है तो नाली में तो कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई ऐसी कोटिंग नहीं है जिससे तेजाब का असर ना हो, तो नतीजतन उस नाली, पूरी नाली के अंदर जलन होने लगती है जिसको हम हार्ट बर्न भी कहते हैं, सीने की जलन और तेजाबियत भी कहते हैं। इसमें बार दफा खाना भी मुंह में आ जाता है, खट्टा पानी मुंह में आता है, खाना मुंह में आने लगता है, उसकी वजह से एसिडिटी बहुत बढ़ जाती है। ये क्यों पैदा होती है एसिडिटी? एसिडिटी उस वक्त पैदा होती है जब आप कोई बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं तो ये प्रॉब्लम पैदा होती है। बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना, मिर्च मसाले ज्यादा मिले हुए वो आप खाना खाते हैं तो इसके अंदर प्रॉब्लम पैदा होती है, या फिर आप खाना खाते ही लेट जाते हैं, क्योंकि ये बैड हैबिट की वजह से होता है, आमतौर पे बिना वजह नहीं होता, ये अपने हाथ का किया धरा होता है कि आपने खाना खाया, रात में देर से खाना खा रहे हैं और खाते ही सो जाते हैं तो फिर ये बीमारी पैदा होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अब इसका इलाज क्या किया जाए? इसका इलाज ये है कि हमारे पास एक कॉम्बिनेशन है जिसका मैंने नाम रखा है एसिडिटी क्योर। एसिडिटी क्योर में तीन बहुत आसान मेडिसिन मिली हुई है और उसके इस्तेमाल से ये मर्ज मुकम्मल खत्म हो जाता है। अगर अभी कुछ दिन पहले ही शुरू हुआ है तो थोड़े दिन में सही हो जाता है, लेकिन अगर ये बहुत पुरानी आदत है, अगर ये बहुत पुरानी सीने की जलन तेजाबियत एक मुस्तकिल मिजाज बन के रह गई है तो फिर आप इसको दो तीन महीने तक इस कॉम्बिनेशन को मुस्तकिल इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि वो कॉम्बिनेशन क्या है। उस कॉम्बिनेशन की पहली दवा है आयरस वर्स। आयरस वर्स सीने की जलन तेजाबियत के लिए, मुंह में खट्टा पानी आने के लिए बेहतरीन दवा है। तो पहले नंबर पे हम लेते हैं आयरस वर्स 30 पोटेंसी में। दूसरी दवा जो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं वो है रोबिनिया। रोबिनिया भी सीने की जलन तेजाबियत के लिए बेहतरीन मेडिसिन है। और तीसरी दवा इसमें होती है नाइट्रोफास। नाइट्रोफास भी हम 30 पोटेंसी में लेते हैं। तो तीनों दवाएं आयरस वर्स, रोबिनिया और नाइट्रोफास, ये तीनों मेडिसिन को हम 30 पोटेंसी में लेते हैं और तीनों को इक्वल क्वांटिटी में मिला लेते हैं।
अगर 10 10 ml ले रहे हैं तो तीनों 10 10 ml डाल लेते हैं, अगर 5 ml ले रहे हैं तो 5 5 ml डाल देंगे और उसको एक शीशी में डालकर रिपोटेंटाइज करते हैं। जो होम्योपैथी का तरीका है पोटेंसी बनाने का, उसी तरीके से उसको हम लेके 10 झटके देते हैं, 1 2 इस तरह करते हैं, 10 झटके दे देते हैं उस मेडिसिन को पकड़ते, तो ये रिपोटेंटाइज हो जाती है। अब ये 3 अलग अलग दवाएं नहीं है, आयरस वर्स नहीं है, रोबिनिया नहीं है और क्या कहते हैं नैट्रम फास नहीं है, ये अब एक मेडिसिन है। इस मेडिसिन का नाम है एसिडिटी क्योर। इस मेडिसिन से मैं अपने क्लिनिक में डिस्क्रिप्ट में दवाएं बना लेता हूं और मरीजों को डिस्पेंस करता हूं। तो अगर एक एक ग्रेन की आपने गोलियां डाली हुई तो 3 गोली सुबह, 3 दोपहर 3 शाम और 3 रात में करें, तो बेहतरीन रिजल्ट है। मैं बरसा बरस से इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, इंतहाई आजमूदा है और हजारों लोग इस कॉम्बिनेशन से फायदा उठा चुके हैं। इसके अलावा इस जब ये GERD होता है तो उसमें आमतौर पे मैदे की खराबी भी शामिल होती है, हाजमे की खराबी शामिल होती है। तो मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था हाजमी के नाम से, एक बेहतरीन वो भी कॉम्बिनेशन है। तो अगर हाजमे की प्रॉब्लम भी इसके साथ शामिल है तो उसके साथ ये इस दवा को दोनों को अल्टरनेट में इस्तेमाल कर लेते हैं, बल्कि इस तरीके से कि 3 गोली 1 मिनट अगर एसिडिटी की ओर खा लिए तो 5 10 मिनट के बाद में 3 गोली हाजमे की भी खा लें, तो ये हाजमे का प्रॉब्लम भी इंशाल्लाह तआला सही हो जाएगा और उसके साथ साथ ये जो एसिडिटी की तकलीफ है, सीने में जलन है, तेजाबियत है और मुंह में छाले वाले आ जाते हैं, ये भी सही हो जाएगा। बार दफा ये होता है कि आप जो मेदे का जब मुंह खुला रह जाता है तो जरूरी नहीं कि उसमें पूरा पानी ही अंदर आए मुंह में तो आपको सीने में जलन होगी, उसके एसिड के फ्यूम उड़ते हैं, बुखारात उठते हैं जो मुंह खुला होने की वजह से मेदे की ऊपर की खाने की जो नाली है उसके अंदर चले जाते हैं और उन फ्यूम की वजह से हार्ट बर्न शुरू हो जाता है। तो इसके लिए ये दवा आप इस्तेमाल करें, ये सारी अलामतों को खत्म कर देती है और बेहतरीन कॉम्बिनेशन है और बेहतरीन इलाज है और आसान इलाज है। उसके अलावा दोस्तों और भी अगर किसी को गैस की तकलीफ है बहुत ज्यादा, इसके साथ गैसेस भी बहुत हैं, तो मैंने एक और वीडियो इसमें बनाया हुआ गैस के लिए, पेट में गैस बनना के लिए, तो वो आप उसको देख लीजिए, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कब्ज रहता है तो कब्ज के लिए भी एक मैंने कॉम्बिनेशन बनाया कब्जी, वो आप इस्तेमाल कर लें, तो इंशाल्लाह तआला आपके तमाम भी जो मेदे के अमराज हैं वो सब सही हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। अल्लाह ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती दराजी उम्र अता फरमाए, हादसात आफात बदाइयात और मूजी अमराज से महफूज रखे, दुनिया और आखिरत की खुशियां नसीब फरमाए, दुनिया और आखिरत की परेशानियों से महफूज रखे। आमीन या रब्बिल आलमीन।